नमस्कार, विराट के बघेली बुलेटिन में स्वागत है। हम आए हैं पूजा। अब कुछ दिन पहले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा प्रधानमंत्री आवास योजना के बखान के वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल भा। जौने में ही सांसद मोदी के बखान में अतना बूढ़े कि यहाँ तक कह दें कि मोदी जब एक बार अपन दाढ़ी झटकत है तो उनके दाढ़ी से 50 लाख घर निकलत है, और वह जब दोबारा दाढ़ी फटकारत है तो 1 करोड़ घर निकलत है। खैर, यह तो चाटुकारिता के हद होगा। अपना पंचन के मिश्रा जी के भाषण के बारे में का है राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताई। सुनी पहले ये वीडियो। एक आदमी का ये देश मधमी नहीं तब तक मोदी के दाढ़ी से आवाज छड़ी करते रही। मोदी के दाढ़ी बदत रहे बसोईगा। मोदी के दाढ़ी में घर है, घर है। जब पूजा हुआ ऐसे दाढ़ी फटकार देते तो 50 लाख एक दाढ़ी फटकाए तो 1 करोड़ भाई। एक वे, दू वे, तीन वे, चार वे विधायक जी इतनी बेर कहीं उतनी बेर एक जने में आए। मोदी के दाढ़ी पर बेहतर रहे दाढ़ी जहाँ दिखा तब घर बंद हो गई। ऐसे मोदी के दाढ़ी है तो हाँ घर इतना उम्र रहे तब खत। देश के खातिर अपन जीवन निछावर करे वाले जननी रीवा के एक और बेटा शहीद दीपक सिंह के पत्नी का माननीय राष्ट्रपति के हाथे वीर चक्र से सम्मानित कीनगा। उहाँ रीवा आगमन पर शहीद के पत्नी रेखा सिंह के स्वागत में सांसद जनार्दन मिश्रा के साथ जन सैलाब उमड़ पड़ा। देखी पूरा वीडियो। दीपक सिंह अमर रहे, भारत का लाल अमर रहे। एक और खबर है रीवा के मध्य गांव से, जहां के सपूत गोविंद प्रसाद कोल JNXG ब्लैक कमांडो के पद में पदस्थ रहे। ड्यूटी पीरियड में अचानक उनकर तबियत खराब हुए से अस्पताल में ही इलाज के दौरान उनकर निधन होगा। जवान के पार्थिव शरीर का उनके गृहग्राम मध्यपुर लावा जाए, जहां सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किए जाए। खबर गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के सिमरिया गाँव से है, जहाँ घरे में बांधी भैंस छूट गए और जाय के पड़ोसी के घरे के चारा खायला। इतना देख के तब मालिक के गुस्सा सातवें आसमान में पहुंचेगा और खिसियान चारा मालिक राजकुमार पटेल पर गरियावत कुल्हाड़ी से हमला कर दिए। देखा देखा दर्जन भर लोग लाठी डंडा और पथरा लेके एक दूसरे में टूट पड़े। MRP माही रामकरण कोल, सूरज कोल, गुड़िया कोल, रेशमा कोल और खुशबू कोल घायल हो गए। फिलहाल पुलिस FIR के आधार पर आरोपी के तलाश करे में जुटी है। अपनों सुनी भैंस के चारा खाए के विवाद के बाद का घटना घटी। क्यों मारपीट किए हैं? बताइए पूरा मामला। रात में टूट गई, थोड़ा सा घास खाया। हाँ। हम लोग मना किए थे आकर मारने लगे तो हम लोग बचाने लगे। जब टांगी मारे तो हम लोग बचाने लगे तो हमको भी मार दिए। खबर है गोविंदगढ़ से, जहां रेस्ट हाउस में फॉरेस्ट गार्ड का 6,000 रुपये के रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी खातिर बताए दी कि लोकायुक्त मनोज यादव का लोकायुक्त पुलिस 6,000 रुपये के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार की। मनोज यादव राम विश्वास का लकड़ी के साथ पकड़े रहे, जिनका छोड़े खातिर वही रुपया के मांग करे रहे। कुछ दिन पहले छापा डाला था, उसमें ये पूछा गया था कि लकड़ी कहाँ से आती है, और उस हिसाब से उसको चमकाया था। हम तुम्हारे ऊपर केस बना देंगे, और उससे कुछ उसका कहना है फरियादी का कुछ कागजों का हस्ताक्षर भी करा दिया। वो जो केस नहीं बनाने के एवज में वन रक्षक है मिस्टर आशीष यादव, उसने जो है 25,000 रुपये की इससे डिमांड की थी। क्योंकि ये बहुत दिन से परेशान था, केस आज तक भी नहीं बनाया और बार बार पैसों की डिमांड की जा रही थी, तो उसने एक बार जो है पूर्ण 4,000 रुपये उसको दे भी दिए। आखिर में 25,000 मांगे तो 10,000 पर मामला सेटल हुआ और 6,000 आज देने का वादा किया था। उसी तारीख में फरियादी ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत की, उसको हमने टेक ऑफ किया, डेवलप किया, और उसमें आज जो है आशीष यादव को 6,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गोविंदगढ़ पंचौकी में पकड़। सर किस पद पे है वो? वन रक्षक। देखी रीवा के तमाम खबर अब बघेली में। नमस्कार।